प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। विशेष तौर से बड़ी बात ओपीएस और 1500 पर करेंगे, क्योंकि हरियाणा में भी आज ये मुद्दा गूंजा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां पंचकुला में प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे, क्या कुछ बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई है। और बड़ी जानकारी ये भी है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का जवाब मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। हाल ही में कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई थी प्रधानमंत्री की ओर से, जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने हिमाचल का जिक्र किया था, और इसी बात का कड़ा जवाब आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से हरियाणा में दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दौरा फिलहाल दिल्ली के लिए टल गया है, किस वजह से अगले कल कहां होंगे ये भी अपडेट लेकर आए हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को बेरोजगारों की ओर से एक चिट्ठी गई है, ये भर्तियों से संबंधित चिट्ठी है, इसमें क्या कुछ कहा गया है, सरकार से जुड़ी बातों को लेकर भी ये भी जानकारी देंगे। और भर्तियों को लेकर अब सब्र का बांध क्योंकि युवाओं का टूट गया है, क्या कुछ इन्होंने सुझाव देने चाहे हैं इस चिट्ठी में राज्यपाल के पास, ये भी जानकारी लेकर आए हैं। पटवारी कानून को महासंघ एक दफा फिर से भड़क गया है, कारण इस बार क्या है जानकारी देंगे। पिछली बार स्टेट कैडर में ले जाने का ये विरोध कर रहे थे कि स्टेट कैडर में इन्हें ना लाया जाए, लेकिन अब यहां मसला कुछ और सामने आ गया है, ये भी जानकारी बिल्कुल देंगे। सांसद कंगना रनौत ने एक और बड़ी टिप्पणी आज कर दी है। आप सभी जानते भी होंगे गांधी जयंती थी और इसी अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर ही कंगना रनौत की ओर से यह बड़ी टिप्पणी की गई है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इन्होंने एक पोस्ट साझा किया है जिसमें इनका ये कहना है कि देश के पिता नहीं होते हैं बल्कि देश के लाल होते हैं, और सौभाग्य है ऐसी भारत माँ जिसके लाल लाल बहादुर शास्त्री हैं। साथ ही इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की फोटो भी उसमें साझा की हुई है। इस पर काफी ज्यादा बवाल मच गया है, लेकिन बात बड़ी ये है कि यहां भाजपा नेताओं की ओर से भी इस पर कंगना रनौत पर टिप्पणी की जा रही है। हालांकि ये एक ही पोस्ट यहां कंगना ने साझा नहीं किया है, एक वीडियो भी इनकी ओर से शेयर की गई है जिसमें ये स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनी है, और इनका ये कहना है कि जितनी ज्यादा स्वच्छता जरूरी है उतनी ही हमारे लिए बाकी चीजें भी जरूरी होनी चाहिए, और आजादी से ज्यादा जरूरी स्वच्छता है। ये भी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इनकी ओर से किया गया है, यानी कि जितनी ज्यादा आजादी जरूरी है उतनी ही स्वच्छता जरूरी है, और हमारा आसपास जो सराउंडिंग है उसे स्वच्छ रखना हमारा दायित्व बनता है। लेकिन जो इन्होंने महात्मा गांधी पर टिप्पणी की है उसके बाद कई तरह के सवाल इन पर उठ रहे हैं, और यहां खासतौर पर पंजाब के नेता सामने आए हैं। कांग्रेस नेता की ओर से पंजाब में ये कहा गया है कि देशद्रोह का मुकदमा इन पर होना चाहिए। पहले भी वो कई मरतबा इस तरह की मांग उठा चुके हैं कि कंगना पर देशद्रोह का मुकदमा किया जाए। ये बार बार महात्मा गांधी पर इस तरह की टिप्पणियां करती हैं, ना तो भाजपा इन पर कोई कार्रवाई करती है, ना इन्हें रोकती है, और ना ही इन पर कोई मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये बात कही गई है कांग्रेस नेता की ओर से, और ये राजकुमार वेरका हैं। दूसरी बड़ी बात भाजपा नेता की करना चाहेंगे। भाजपा नेता जो कि हरजीत ग्रेवाल हैं पंजाब में ही, इनका ये कहना है कि कंगना का विचार नाथूराम गोडसे से मिलता है, और ये जिन लाल बहादुर शास्त्री की बात कर रही हैं वो भी शिष्य थे महात्मा गांधी के, इन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है जो इस तरह की टिप्पणी इन्होंने गांधी जयंती पर की है, यानी कि विरुद्ध इनके कांग्रेस नेता भी खड़े नजर आ रहे हैं और भाजपा नेता भी इनकी इस टिप्पणी का काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं। हमेशा विवादों में कंगना घिरी रहती है, बार बार इनकी ओर से इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। पहले भी जो नारा था महात्मा गांधी का कि अहिंसा ही परमो धर्म है, इस पर भी एक बड़ा विवादित बयान कंगना की ओर से दिया गया था, और आज गांधी जयंती के मौके पर फिर इन्होंने एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली महात्मा गांधी पर टिप्पणी की है। हालांकि इन्होंने नाम उसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये कहना कि देश के पिता नहीं होते सिर्फ लाल होते हैं, और भारत माँ सौभाग्य है जिसे लाल बहादुर शास्त्री जैसा लाल मिला, तो यहां से टिप्पणी सीधे तौर पर महात्मा गांधी पर होती है, और महात्मा गांधी के समर्थक काफी ज्यादा विवाद इस बात को लेकर कर रहे हैं, यानी कि काफी विरोध उनकी ओर से दर्शाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनावी प्रचार प्रसार के लिए आज हरियाणा गए थे, पंचकुला में इनकी ओर से जनसभा को संबोधित किया गया, और यहीं इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जवाब दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री को हिमाचल की याद सिर्फ तब आती है जब चुनाव होते हैं, जब प्राकृतिक आपदा आई प्रभावित मदद की राह देख रहे थे केंद्र सरकार से, तो कोई भी राशि जारी नहीं की गई है सेंटर की ओर से, लेकिन जब कहीं भी चुनावी प्रचार प्रसार करना होता है तो हिमाचल की याद जरूर प्रधानमंत्री को आती है, यहां का जिक्र वो जरूर करते हैं, लेकिन जो जिक्र भी किया गया है प्रधानमंत्री की ओर से लग रहा है उनके पास आंकड़े सही नहीं थे। यहां टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि पूर्व जयराम सरकार ने चुनावों के वक्त 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी थी, 125 यूनिट तक बिजली निःशुल्क कर दी थी ताकि उनका मिशन लोटस सक्सेसफुल हो पाए, दोबारा से वो सत्ता में काबिज हो पाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश की आम
जनता ने उन्हें बख्शा नहीं, बहुत बुरी तरह से हराया। और कारण यह था कि बाकी के 4.5 साल कुछ नहीं किया गया, लास्ट के 6 महीने में बड़े बड़े फैसले लिए गए यहां जनता को बरगलाने के लिए। लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की सरकार अब वहां है तो कैसा ही कार्य पूर्व जयराम सरकार का रहा होगा। अपनी उपलब्धियां भी मुख्यमंत्री ने गिनवाई है। इनका कहना है कि 10 गारंटी दी गई थी जिसमें 5 पूरी कर ली गई है। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बहाल हो गई है, 1500 की राशि महिलाओं को दी जा रही है, 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना तैयार की गई है ताकि रोजगार युवाओं को मिल सके, और यहां राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स तैयार हुए हैं। साथ ही साथ दूध और प्राकृतिक खेती को लेकर भी स्कीम्स पूरी की जा रही हैं। और सबसे बड़ा जिक्र ओपीएस का किया है कि ओपीएस भी वहां पर बहाल कर दी गई है 1,36,000 कर्मचारियों के लिए। मुख्यमंत्री ने आज हरियाणा में ये सभी बातें कही और साथ ही साथ प्रधानमंत्री को जवाब भी दिया है कि हिमाचल का जिक्र वो हर जगह करते हैं और यहाँ की तंग आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार कितनी मदद करती है इसका ब्यौरा भी उन्हें देना चाहिए। और प्राकृतिक आपदा में जब राज्य सरकार उम्मीद लगाकर बैठी थी केंद्र सरकार से और प्रभावित भी उम्मीद लगाकर बैठे थे, तब तो प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। अब हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में हिमाचल का जिक्र करके जरूर यहां सुर्खियां बटोरना चाहते हैं और साथ ही साथ वोट्स हासिल करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऐसे हालातों को बताते हुए जो हालात वर्तमान सरकार ने पैदा नहीं किए हैं बल्कि पूर्व जयराम सरकार ने पैदा किए हैं, यह दावा मुख्यमंत्री की ओर से हुआ है। हालांकि सीएम सुक्खू के टूर में भी बदलाव हुआ है, ये आज पंचकुला से ही दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन अब हरियाणा में चुनावों की स्थिति देखते हुए अगले कल भी इनकी ओर से प्रचार प्रसार किया जाएगा। ये भिवानी और चरखी दादरी में चुनावी रैलियां करेंगे और उसके बाद दिल्ली जा सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का यह कहना है कि हरियाणा में माहौल अच्छा है, कांग्रेस के फेवर में माहौल है और वहां पर कांग्रेस की ही सरकार बनने वाली है। देखिए एक बड़ी बात, पटवारी कानून को महासंघ से जुड़ी हम आपके लिए लेकर आए हैं। पटवारी कानून को महासंघ एक दफा फिर उग्र हुआ है और इस बार कारण ये नहीं है कि स्टेट कैडर में इन्हें लाया जा रहा है, हालांकि इसका भी इन्होंने काफी विरोध किया, उसके बाद वो बात आगे नहीं बढ़ पाई है। महासंघ की ओर से भी कोई अगली रणनीति तैयार नहीं हुई और स्टेट कैडर में लाने के लिए भी फिलहाल अगली कोई प्रक्रिया हमें नजर नहीं आई है। अभी एक तरह से ये मसला शांत पड़ा ही था, लेकिन दूसरा मसला यहां सामने आ गया है और पटवारी कानून को महासंघ का ये कहना है कि जो सेवानिवृत्त होने वाले नायब तहसीलदार हैं उनका सेवा काल बढ़ाया जा रहा है या फिर एक तरह से उन्हें पुनः नियुक्तियां दी जा रही है, तो दोबारा से उन्हीं पदों पर रिटायर्ड नायब तहसीलदारों को ही नियुक्त किया जा रहा है। इसे ये बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे कानून को ऐसे हैं जो कि नायब तहसीलदार पर पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही कई कई साल तक इन्हें इंतजार करना पड़ता है, और जो पहले से नायब तहसीलदार के पद पर थे और अब रिटायर्ड होने वाले हैं या तकरीबन हो ही गए थे उन्हें इसमें पुनः नियुक्ति दी जा रही है, उनके सेवाकाल बढ़ाए जा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने आज बैठक बुलाई थी और बैठक में यह तय किया है कि ये जल्दी ही राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री सुक्खू से भी मुलाकात कर ये बात कहेंगे कि जो प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार खत्म कर पदोन्नति दी जाए, बजाय इसके कि दोबारा से पुनः नियुक्ति दी जा रही है या सेवाकाल पुराने नायब तहसीलदारों का यहां बढ़ाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर इन्होंने ये बात कही है कि जो कांगड़ा सर्कल है वहां पर 13 कानूनगो इंतजार कर रहे हैं पदोन्नति के लिए, हालात ये हैं तो प्रमोशन कैसे हो पाएगी जब पिछला नायब तहसीलदार ही इस पद से रिटायर्ड नहीं होगा। हालांकि देखिए ये पहले भी काफी ज्यादा विरोध में रहे थे, जो स्टेट कैडर में लाने का फैसला इनके लिए लिया गया था उस वजह से हड़ताल भी इनकी ओर से की गई थी, पेंडाउन स्ट्राइक पर भी गए थे और बीच में इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप से भी लेफ्ट कर दिया था, ऑनलाइन कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ गया था। अब ये दूसरा मसला सामने आया है जो कि प्रमोशन को लेकर है, लेकिन सरकार इसमें क्या कदम उठाती है देखना होगा क्योंकि जल्दी ही मंत्री से मुलाकात करेंगे, ये भी इनकी ओर से अल्टीमेटम दिया गया है। बेरोजगारों की ओर से एक चिट्ठी दी गई है राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को, इसमें भर्तियों का जिक्र इनकी ओर से किया गया है। इनका कहना है कि अगस्त 2022 में इन्होंने HPSSC के लिए कुछ फॉर्म फिल किए थे, JOAIT क्लर्क और अन्य भर्तियों से संबंधित ये आवेदन इनकी ओर से दिए गए थे, लेकिन उसके बाद कर्मचारी चयन आयोग भंग हो गया और फिर राज्य चयन आयोग का गठन किया गया है, लेकिन एक साल हो चुका है राज्य चयन आयोग का गठन किए हुए, अभी तक एक भी भर्ती इस आयोग के माध्यम से नहीं की गई है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को इन्होंने अवगत करवाया है इस बात से कि अभी तक आयोग के पास भर्ती एजेंसी ही नहीं है, हालांकि सुझाव भी इन्होंने दिया है कि अगर भर्ती एजेंसी नहीं है तो OMR शीट पर ही भर्तियां करवा दी जाए, ऑफलाइन मोड पर ही भर्ती परीक्षाएं करवाई जाए। जब हाईकोर्ट यहां ऑफलाइन मोड पर भर्ती परीक्षा करवाता है या हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यहां ऑफलाइन मोड पर भर्तियां करवाता है तो उस वक्त तो धांधली नहीं होती है, ना पेपर लीक होता है, कैसे वो इतनी पारदर्शिता ला रहे हैं या आयोग को सीखना चाहिए। ये इंतजार अब नई भर्तियों के लिए और ज्यादा नहीं करेंगे, इसलिए सुझाव इन्होंने दिया है कि जब
तक ऑनलाइन मोड पर परीक्षा करवाने वाली भर्ती एजेंसी नहीं मिलती है तब तक ओएमआर शीट पर ही ये भर्ती परीक्षाएं करवा ली जाए। सीसीटीवी की निगरानी में वीडियो रिकॉर्डिंग जब होती रहेगी तो ऐसे में पारदर्शिता आ पाएगी, ऑफलाइन मोड पर परीक्षाएं हो सकती हैं। आगे इस प्रक्रिया को जल्दी शुरू किया जाए, नई भर्तियां होनी चाहिए, क्योंकि राज्य चयन आयोग का गठन करने का फायदा तब तक नहीं है जब तक भर्तियों का सिलसिला शुरू नहीं होता है। इनकी आयु निकलती जा रही है, प्रतिदिन ये डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में इनकी शादियां तक नहीं हो पा रही हैं, ये भी बात इनकी ओर से कही गई है। इस विषय में जल्द से जल्द संज्ञान ले, ये राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से इन्होंने गुजारिश की है। लेकिन क्या कुछ होता है ये देखना होगा, क्योंकि फिलहाल देखिए अब तो एक साल से अधिक का समय हो गया है, राज्य चयन आयोग फंक्शनल नहीं हो पाया और हवाला सरकार की ओर से ये दे दिया जाता है कि भर्ती एजेंसी अभी तक हायर नहीं हो पाई है। अगर ऑनलाइन मोड पर ही परीक्षा करवानी है, सीबीटी प्रणाली इस्तेमाल करनी थी तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहले सरकार को देखना चाहिए था, ये युवा सवाल कर रहे हैं। और अगर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑफलाइन मोड पर ही परीक्षाएं करवा दी जाए, कम से कम भर्तियों की शुरुआत तो हो पाएगी। अब सवाल ये नहीं है कि नई भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं, सवाल तो ये भी है कि जो पुरानी भर्तियां लटकी हैं जिसमें रिजल्ट घोषित नहीं हो पाए हैं आखिरकार कब तक हो पाएंगे। यहां पोस्ट कोड 903, 939, 971 की भी अगर हम बात करें तो ये सभी परेशान हैं, क्योंकि जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाएगी लाजमी सी बात है परेशान ही रहेंगे। और कई ऐसे भी पोस्ट कोड के अभ्यर्थी हैं जहां उनका ये मानना है कि कुछ एक में सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह गई है या फिर रिजल्ट घोषित होना बाकी रह गया है। अब यहां कैबिनेट सब कमेटी बना दी गई थी, कुछ एक पोस्ट कोड्स को कमेटी की ओर से क्लियरेंस दे दी गई है, तो तकरीबन 20 से 21 पोस्ट कोड्स को कैबिनेट में क्लियरेंस दे दी गई थी कि अगली प्रक्रिया शुरू की जाए, लेकिन वो अगली प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। और अगर रिजल्ट घोषित हो भी गए हैं तो नियुक्तियां नहीं दी गई हैं, ये अलग अलग पेज फंसे हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ होगा, कुछ पोस्ट कोड्स में ये भी फैसला सुनाया गया है कि जितने कल्प्रिट्स हैं उतनी सीटें छोड़कर रिजल्ट घोषित किया जाए, लेकिन यह होता हुआ भी युवाओं को नजर नहीं आ रहा है। तकरीबन 2 से 3 साल का वक्त भी कुछ एक पोस्ट कोड्स के लिए गुजरने वाला है, नियुक्तियां मिली नहीं है, उम्र गुजरती जा रही है और इनका यह मानना है कि एक परीक्षा क्लियर करने के लिए दिन रात इन्होंने मेहनत की थी, इसलिए अब ये पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो ये नौकरी हासिल करके रहेंगे, वो भी सरकारी क्षेत्र में ही, इसलिए चाहे सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई जाए या फिर सीबीटी प्रणाली लागू की जाए, लेकिन जल्द से जल्द नई भर्तियां भी शुरू होनी चाहिए और जो पुरानी फंसी हुई भर्तियां हैं उन्हें भी पूरी तरह से क्लियर किया जाए। कमेटी से क्लियरेंस मिल जाती है लेकिन फिर अगली प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। अगले कल से देखिए अश्विन नवरात्र भी शुरू होने जा रहे हैं और 5 शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तकरीबन 850 जवान तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। बहुत सारे शक्तिपीठ ऐसे हैं, यानी कि 5 के करीब ही ये हालांकि शक्तिपीठ है, लेकिन कुछ एक इसमें ऐसे भी शक्तिपीठ है जहां पर कुछ चोरी करने वाले गिरोह भी घुस जाते हैं और फिर कई लोगों को, खासतौर पर जो श्रद्धालु दूर दराज के क्षेत्रों से आए होते हैं, परेशानियां उन्हें रहती है। इसीलिए इस बार सीसीटीवी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई व्यक्ति इस मंशा से आता है कि वो जेब से पैसे निकाल लेगा या फिर गले से मंगलसूत्र निकालने की या सोने की चेन या चांदी की चेन निकालने की कोशिश करेगा तो वो बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर होने वाला है। ड्रोन के माध्यम से भी पुलिस पूरी निगरानी रखेगी और इसके अलावा 5 शक्तिपीठों में 850 के करीब पुलिस जवान तैनात किए गए हैं, तो चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात होंगे। इनकी निगरानी से बचना भी चोर जैसे गिरोहों को, चोरी करने वाले गिरोहों को काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आज जो सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ है उन्होंने साफ कह दिया है, साफ कर दिया है कि सीएम सुक्खू अभी तो जो है वो हरियाणा चुनाव में गए हुए हैं, हरियाणा में जो है वो पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सीएम वापसी आएंगे, अगर वापसी आने के बाद सचिवालय में जब सीएम बैठेंगे उसके 3 दिन तक अगर हमें वार्तालाप के लिए नहीं बुलाया जाता है तो फिर आगामी जो कार्य जो कह सकते हैं आप रणनीति है वो बनाई जाएगी, जनरल हाउस भी किया जाएगा। और कर्मचारियों ने 2 टूक शब्दों में ये कह दिया है कि हम फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि सरकार हमें जो है वो जो हमारा हक है जो डीए की 2 किश्तें हैं वो समय पर दे दें और डीए के अलावा जो एरियर का 50,000 रुपए है वो तुरंत प्रभाव से हमारे खाते में डाल दिया जाए, ये इनका कहना है। और हालांकि इन्होंने ये भी कहा था कि अगर अभी वित्तीय संकट भी है, थोड़ा अगर वित्तीय संकट भी है तब भी हम अधिक से अधिक जो इंतजार करेंगे वो दिवाली तक का करेंगे, उससे अगर उससे उसके बाद जो अगर दिया जाएगा फिर हम जो है वो नहीं मानने वाले हैं। तो जो आज सचिवालय सेवा कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा उन्होंने आज साफ किया कि सीएम अभी बाहरी राज्य में हैं, जैसे ही वापसी लौटते हैं, वापसी लौटने के बाद जब वो सचिवालय पहुंचेंगे हम 3-4 दिन इंतजार करेंगे, अगर 3 दिन बाद, हालांकि उन्होंने 3 दिन कहा है, 3 दिन बाद भी वार्तालाप के लिए नहीं बुलाया जाता है तो फिर जो है वो मोर्चा खोला जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो कर्मचारियों के खिलाफ
जो एक बड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है, अगर इस ऐसी कार्रवाई आज से पहले तो कभी हुई नहीं है, सबसे पहली मांग तो यही रहेगी कि जो कार्रवाई करने की बात की जा रही है इससे कर्मचारी डरने वाले नहीं है और ऐसे में सरकार संवेदनशील हो। जो हमारे मुद्दे हैं ये हमारे मुद्दे नहीं है, ये कर्मचारियों के मुद्दे नहीं है, ये सिर्फ उनके मुद्दे नहीं है जो सचिवालय में है, ये मुद्दे प्रदेश के जो लाखों कर्मचारी है उनका भी मुद्दा है। वो भी 15 अगस्त को इंतजार कर रहे थे कि डीए की एक किस्त मिल जाए, कम से कम एक किस्त मिल जाए, क्योंकि 12% जो है डीए कर्मचारियों का बचता है। तो ये सिर्फ कर्मचारियों का ही नहीं है, ये पेंशनरों का भी है। तो ऐसे में अब कर्मचारियों ने, जो कर्मचारी नेता है संजीव शर्मा, उनका ये कहना है कि हम 3 दिन इंतजार करेंगे और 3 दिन इंतजार के बाद अगर नहीं बुलाया जाता है तो फिर जो है वो मोर्चा खोला जाएगा। इसके अलावा बात करें पुलिस भर्ती की, तो कल से आपको बता दें कल से प्रदेश में जो नवरात्र हैं वो शुरू हो रहे हैं और अब जो सूचना है वो ये है कि एक सप्ताह के भीतर जो है टारगेट है 1-2 सप्ताह के भीतर जो है पुलिस का जो विज्ञापन है वो निकल जाएगा। क्योंकि हमें आप इससे पहले हमने बताया था आपको कि एक जो ट्रायल चला हुआ था सॉफ्टवेयर पर, वो ट्रायल हो गया है और जो पुलिस विभाग है जो डीजीपी कार्यालय वहां से ये भी जो है वो भेजा गया है लोक सेवा आयोग को कि नाम बदला जाए, पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो नाम है बदल करके जो है वो कमांडो किया जाए। ये जो है वो एक आवेदन गया है तो हो सकता है जो है वो इसको अप्रूव भी मिल जाए, लेकिन सोचना यही है कि बहुत जल्दी पुलिस भर्ती आने वाली है। मतलब आप समझिए 1-2 सप्ताह के भीतर जो ये भर्ती है प्रदेश में हो जाएगी। एनटीटी भर्ती के लिए आपको बता दें, एनटीटी भर्ती जो है वो इन प्रोसेस से है, HPSIDC को बोल दिया गया है, वो अब कंपनियां ढूंढ रही है और जो आगे जो है वो भर्तियां करवाएगी। तो ऐसे में ये जो भर्ती है वो इन प्रोसेस है, सरकार के लेवल पे इसमें कुछ नहीं है। HPSIDC को बोल दिया गया है कि आप भर्तियां करवाइए, थोड़ा समय लगेगा इसमें, इन प्रोसेस भर्ती है, 1 साल वाले अभी फिलहाल नहीं लेंगे, जबकि मांग है कि 1 साल वाले लिए जाए। ये मांग है, अधिकतर लोग ऐसे हैं प्रदेश में, जब इन्होंने डिप्लोमा किया था इनका ये कहना है कि हमारे पास 1 वर्ष का ही डिप्लोमा था, उस वक्त डिप्लोमा भी 1 ही साल का था, ये कहना है एनटीटी जो बेरोजगार महिलाएं हैं पुरुष है कि जब हमारे पास डिप्लोमा ही नहीं था पूरे प्रदेश में तो हम कहां से डिप्लोमा करते। तो सरकार को ये बात माननी चाहिए वरना मोर्चा खोलेंगे, ये इनका कहना है। लेकिन जो हमारी सूचना वो ये है अभी तक कि ये जो एनसीटी के जो नॉर्म्स है उस अनुसार ये लेंगे और 1 वर्ष वालों को फिलहाल ये ले नहीं रहे हैं। सैलरी मालूम ही है 6700 के आसपास है और 7000 जो है वो है इसमें से कट कटा के जो है 6700 के आसपास मिलनी है 10000 में से।